इस बिल को लाकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर ये साबित करना चाहते हैं कि तुम संविधान को बदल डालेंगे, लेकिन हिंदुस्तान का गयूर मुसलमान, हिंदुस्तान की सेकुलर सोच रखने वाले अवाम इस बिल को नापिस होने नहीं देंगे। और यहाँ पर इस मंच से तमाम तंजीमों की जानिब से यह ऐलान किया जाता है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक इस बिल को खारिज नहीं किया जाएगा, तो सारे यादगिर के मुसलमान हिंदुस्तान को ये मैसेज पहुँचाए कि हम NRC के लिए हम ये हलफ उठाते हैं कि NRC के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं निकाला जाएगा, हम NRC के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हमें यहाँ से निकाल कर कहाँ भेजेंगे, डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे, कितने लोगों को भेजेंगे, 25 करोड़ मुसलमान अगर NRC के लिए डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस करेगा तो 25 करोड़ मुसलमानों को कहाँ भेजेंगे मोदी जी। आज हम लोगों को ये हेल्प लेना है कि NRC के लिए कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज मैं तमाम मेरे नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो तंजीम की आवाज पर तमाम लोगों की, तमाम तंजीमों की आवाज पर यहाँ पर जमा होकर इतिहास का सबूत दिए, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर इसी तरह के इतिहास को कायम रखे, आमीन। इन ताकतों को, इन कमीनों ताकतों को हिंदुस्तान से तड़ी पार करने की कहकर मैं एक शेर से अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, डर डर के भी जीना कोई जीना है, डर डर के भी जीना कोई जीना है, जीने की तमन्ना हो तो मरना सीखो।